जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में फिलहाल खुशियों का माहौल जो है वो शुरू हो चुका है। कारण इसका यह है कि हर्षदेव सिंह जी आम आदमी पार्टी के दिग्गज एक नेता थे मैं कहूंगा, क्योंकि अभी वो नेशनल पैंथर्स पार्टी में कहीं ना कहीं जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, ऐसी अफवाहें भी उठ रही हैं और उन्होंने अपने पर्सनल पेज पे जो है ये भी शेयर किया है। कितनी इसमें सच्चाई है, हमारे साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट विलक्षण जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। सर, इसमें कितनी सच्चाई है जो अभी फिलहाल हर्षदेव सिंह जी ने भी अपने पेज से जो है ये शेयर किया है, क्या कहेंगे आप? इसमें पूरी पूरी सच्चाई है, 100% ट्रू है कि पैंथर्स पार्टी में जो है हर्षदेव जी वापिस आ रहे हैं और जो आज जनता की आवाज आगे से वो बुलंद करेंगे, वो अपनी पैंथर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन आपके चेहरे पे एक बहुत ही अलग सी खुशी है और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है काफी ज्यादा उत्साह जो है अब नजर आ रहा है। पहले भी हमने बहुत बार आपसे बात करने की कोशिश की लेकिन ये स्माइल जो है वो नजर नहीं आती थी। देखिए, हमारी एफर्ट उसी दिन से, जिस दिन से मैंने चार्ज संभाला था, ये एफर्ट थी कि हमारे दिग्गज नेता जो अपने आप को साबित कर चुके हैं, 3-3 बार MLA रह चुके हैं, उनको खोना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान था। वो नुकसान की भरपाई तभी हो सकती थी जब वो वापस आए। तो आज जब हमने ये मुकाम हासिल कर लिया है, इसमें सक्सेस पा ली है कि हमारे जो सबसे दिग्गज नेता थे आज वो वापस पैंथर्स पार्टी में आ रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। क्योंकि आज ना केवल पैंथर्स पार्टी को फायदा होगा, जो जनता अपोजिशन में ढूंढ रही है कि सरकार के खिलाफ बोलने वाला कोई नेता मिल सके, सरकार के खिलाफ बोलने वाली कोई पार्टी मिल सके, आज दोनों का कॉम्बिनेशन जनता को अब मिलेगा पैंथर्स पार्टी में जब हर्षदेव सिंह जी वापस आएंगे। सर, जब से उन्होंने अपने सोशल हैंडल पे ये शेयर किया है, लोगों के अनगिनत कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, उनका कहना है कि आखिर क्या नेशनल पैंथर्स पार्टी ने उनको खिलाया, जब क्या ऐसा कुछ किया कि अचानक से, काफी टाइम पहले वहां पर रहे, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जो है वापस आ रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब वो छोड़ के भी गए थे वो कुछ साजिशों का शिकार हुए थे जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। पैंथर्स पार्टी को उन्होंने अपने खून से सींचा है, अपने पसीने से सींचा है। 1996 में हमारा कोई MLA नहीं था जब हर्षदेव जी MLA सिंगल MLA जीत के आए, उन्होंने बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड लिया और उसके बाद जब 4 MLA हमारे निकल के और हम सरकार में शामिल हुए, सरकार में जो उन्होंने रोल प्ले किया उससे पैंथर्स पार्टी की छवि को बहुत जो है प्रतिष्ठा पैंथर्स पार्टी की बहुत बड़ी। तो जो पार्टी उन्होंने खुद खून से सींची थी उसके प्रति कहीं ना कहीं प्यार उनका दिल में था, उसी प्यार को हमने जगाया और आज वो पैंथर्स पार्टी में फिर से आ रहे हैं ताकि वो अपनी जो खून से सिंची हुई पार्टी है इसको और भी बुलंदियों तक ले सके। कितना बूस्ट मिल पाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बिल्कुल, ऑफिस की बात करें तो बिल्कुल चहल पहल इतनी ज्यादा नहीं थी, अभी कितना उसमें बूस्ट मिलेगा या चेंज नजर आएगा? देखिए, इसमें आपको जो है एक ड्रामेटिक चेंज नजर आएगी। जो पार्टी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से चलेगी, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन ऐसी है कि जनता खुद ढूंढ रही है कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई हो। जो 100 स्क्वेयर फुट की दुकान वाला है उसकी दुकान तोड़ी जा रही है, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस जो है वो खत्म नहीं हो रहे, जो सिंपल ट्रांसफर लोग कह रहे हैं कि गोली मार दी जा रही है कश्मीरी पंडितों को, और जो जम्मू के हिंदू हैं उनको कश्मीर में, वो कह रहे हैं हमारी ट्रांसफर जम्मू में कर दो, सरकार उनकी आवाज सुनकर राजी नहीं है। जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो सरकार लगाने की तैयारी में, हर तरफ से जम्मू की जनता का और पूरी की पूरी यूटी की जनता का शोषण किया जा रहा है। इससे लड़ने के लिए जनता को दरकार थी कि एक दिग्गज नेता पैंथर्स पार्टी से आवाज उठाए, तो वो मौका अब आ गया है और इसीलिए जो आपको पैंथर्स पार्टी के दफ्तर में भी जो है काफी चहल पहल देखने को मिलेगी और जनता में भी पैंथर्स पार्टी जगह जगह आपको दिखेगी। सर, लास्ट सवाल रहेगा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा जो आम जनता के बीच में अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ी डाउन होती जा रही है, वही चीज देखकर हर्षदेव जी ने देखा कि अब ऑप्शन जो है सिर्फ वही है जहां से शुरू किया था, ऐसा तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है हर्षदेव सिंह अकेले ही अगर पैंथर्स पार्टी को चला सकते हैं तो अकेले आम आदमी पार्टी को भी चला सकते थे। लेकिन जब ऐसे लीडर की आवाज को आप बंद करने की कोशिश करेंगे, पूरी फ्रीडम नहीं देंगे, तो ऐसे दिग्गज नेता जो हैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकते जहां आवाज को बंद किया जाए, दबाया जाए, तो वो अकेले अपनी पार्टी को उठाने का दम रखते हैं, इसलिए उसके डाउन होने की वजह से या होने की वजह से वो उधर नहीं गए थे। अगर किसी को फायदा था, आम आदमी पार्टी को हर्षदेव जी का फायदा था, ना कि हर्षदेव जी को आम आदमी का फायदा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अभी एक बड़ा झटका लगा है और उसका सीधा फायदा जो है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को जो है वो मिलने जा रहा है। अनऑफिशियली जो है उन्होंने बता दिया है कि नेशनल पैंथर्स पार्टी में वो ज्वाइन करेंगे, ऑफिशियली जो है वो जानकारी आना अभी बाकी है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय जो है कमेंट सेशन में जरूर रखिएगा। नमस्कार।